जितने लोग यहाँ पर मौजूद है उनके हिसाब से थोड़ा सा शायद संवेदनशील हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ किसी जगह उसमें दुख पहचाना मकसद नहीं होगा, समझाना या एक्सप्लेन करना मकसद है। और क्योंकि ये प्रश्न आता ही आता है, इसलिए ये कि मैं रख दूँ, जब प्रश्न आएंगे तो बात अलग है। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर कुछ और धर्म के लोग हो, फिर से कुछ धर्मों के लोग तो उठाते ही हैं, तो मांसाहार या जीव हत्या के विषय से आता है जी। उसमें इस वजह से हम मुझे इससे कुछ जो है वो खास तौर से रखना था। अब जहाँ तक लोगों की पर्सनल चॉइस का सवाल है, तो उसमें तो ये है कि हमारे घर में बहुत शाकाहारी होते हैं, हमारी फैमिली के अंदर हमारे बच्चों में होते हैं प्योर शाकाहारी, एक फैमिली के अंदर हमारी अपनी फैमिली के अंदर, तो उनके लिए खाना अलग बनता है, इसलिए ये उनकी चॉइस है। बात इसकी हो रही है कि धर्म मना करता है या नहीं करता है, बात इसकी हो रही है जो मैं समझाना चाहूँगा लॉजिक या रैशनल के हिसाब से, इन दोनों बातों का, धर्म के हिसाब से भी और लॉजिक और लॉजिक के हिसाब से, दोनों बातें धर्म का है धर्म तो। और उसमें आपको कहीं पर भी कन्विंस करना कोई उद्देश्य हमारा नहीं, मैं तो अपनी बात कहना मतलब उससे कोई संतुष्ट होता है या नहीं होता है। तो बात यह कि अब आप उसको अच्छा नहीं समझते, जिस मैंने कहा जो इस वक्त ज्यादातर लोग हैं, तो इसलिए मैंने इसे संवेदनशील कह दिया, लेकिन बहरहाल कुछ मुझे बताना है प्रस्तुति। मांसाहार आता है मतलब शाम, मांसाहार उसको जो आपत्ति आती है या प्रश्न आता है वो जीव हत्या के नाम से आता है, जीव हत्या के नाम से आता है कि इसमें जीव हत्या होती है। तो अब इसमें दो शब्द है असल में, एक तो जीव और एक हत्या। हमारा कहना यह है या इस्लाम का कहना यह है कि जीव का जहां तक प्रश्न है, तो वो चाहे साइंटिफिक बात हो और चाहे आप रैशनल बात हो, कि जीव किसे कहते हैं, मतलब जीव क्या खाली बकरे को कहते हैं, या जीव जो है वो पेड़ पौधों को भी कहते हैं और काई को भी कहते हैं और एल्गी को भी कहते हैं। वो जीव के लक्षण होते हैं बहुत से, वो जो सांस लेते हैं यानी गैसेस का आदान प्रदान करते हैं, और चेतन चेतना जिसमें है वो जीव है, जो जड़ है वो जड़ है। नहीं, जीव की जो खाली डेफिनेशन उसमें चेतना कम भी हो सकती है जीव के, और होती है तो हम नहीं समझ सकते बहुत सी चीजों को, लेकिन वो आदान प्रदान करते हैं, वो बढ़ते हैं, पत्थर रुका रहता है, वो ग्रो करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, नर और मादा होते हैं, आगे बढ़ते हैं, नस्ल बढ़ती है, बहुत से और लक्षण है जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के नाम से जिसे साइंस के, तो जीव और निर्जीव। तो उसके अंदर जीव जो है वो जब जहन में आती है, जीव हत्या की बात आती है, तो जीव के नाम से तो फिर वही जहन में आते हैं बकरे या और दूसरे बड़े जानवर, जहन में ये आता है। ये तो सब साइंटिफिक है कि क्या क्या चीजें हैं उनके अंदर जीव के अंदर। तो ये इन शॉर्ट नॉन लिविंग थिंग्स में सिर्फ मिट्टी पत्थर पानी आग आदि इतनी चीजें आती हैं, और बाकी फिर चलने उड़ने तैरने वाले पशु, इसके अंदर कीट पतंग कीटाणु जीवाणु वृक्ष आदि, ये सब जीवों में आते हैं, पेड़ पौधे सब्जियां ये सब जीवों में आते हैं। तो बात ये है कि ये एक अलग बात है कि ये कहें कि भाई मांसाहार ना करें, ये एक अलग बात होगी, लेकिन जीव हत्या से जब जोड़ा जाएगा उसे, या उसे जीव हत्या कहा जाएगा, तो जीव तो ये भी होते हैं, सब्जी भी जीव होती है, पेड़ पौधे भी जीव होते हैं, यानी उसको अगर हम विषय जीव हत्या का दे देंगे, मांसाहार तक बात हो सकती है, क्योंकि तो मांसाहार ठीक है या गलत है, लेकिन उसे जीव हत्या तो कम से कम नहीं कहा जाए। ज्यादातर मांसाहार इसलिए कि ये देखिए हत्या किस कहाँ पर ज्यादा हो रही है। मैं तो सिर्फ अपनी प्रस्तुति रख रहा हूँ, और ऐसे कि मैं आपकी सेंटिमेंट्स को कहीं हट करना मकसद नहीं, लेकिन बात तो सामने आई ना जो मैं कह रहा हूँ, ये भी जो चीजें आ रही है ना, इसको भी इसके भी बैन लगने का, इसको भी गलत बताया गया है। ठीक बात है, गलत बताया गया, ठीक है गलत बताया गया, लेकिन आप रोक दीजिए उसे, रोक दीजिए, सब भूखे मर जाएंगे, रुकवाइए इसका, अभी ऐसा है ना, भूखे मर जाएंगे, इसका विकल्प सोचा जा रहा है, जब सोचा जाएगा, आज तक विकल्प अभी नहीं आया, जब सोचा जाएगा, जबकि बात को करेंगे। अब मुझे कह लेने दिया, हम बीच में बहस ना करें, मुझे प्रस्तुत कर ले। मैंने तो इसीलिए कहा था कि आपके हिसाब से शायद कहीं संवेदनशील नहीं हो जाए, आपकी भावनाएं नहीं हो, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आप उसे गलत ही समझते रहे, मुझे अपनी प्रस्तुति रख लेनी थी, आप उसे गलत ही समझे, आप उसे कन्विंस भी मत, लेकिन आप इस पर क्वेश्चन अपने कुछ नोट जरूर कर लीजिए, जिसका मैं जवाब दूंगा बात, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ। तो अब खेती जो होती है, जब बात जीव हत्या की आती है, मैं सिर्फ जीव हत्या की मैं कर रहा हूँ, मैं मांसाहार की नहीं कर रहा, जब बात जीव हत्या की आती है, उसे जीव हत्या कहा जाता है, तो अगर एक जीव को मारा या काटा और उसके अंदर 50 लोगों ने खाया,
यहाँ तो एक जीव की हत्या हुई, अगर उसे हत्या कहेंगे तब वो हत्या की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। तो एक जीव गया और 50 लोगों ने उसे अपना भोजन बनाया। अब जब हम सब्जी खाते हैं तो सब्जी के लिए जो खेती होती है, एक एकड़ में खेती करने के लिए, वो तो बात को है कि उन जीवों को काटेंगे, वो नंबर बात को आ रहा है, लेकिन एक एकड़ में खेती करने के लिए हमें पहले करोड़ों नहीं अरबों खरबों जीवों को मारना होता है। पहले उन्हें मारना है जिन्हें खाने के लिए, जिन्हें डायरेक्ट खाना भी नहीं, पहले उनको हमें कत्ल करना या हत्या करनी होती। इसलिए कि जीव अगर सिर्फ हम बकरे या भैंसे को कहें तब तो बात अलग है, और जीव जब हम उसे भी कहें जो छोटा सा है, तो जो 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 कीट पतंग है उसे भी अगर हम जीव कहें, या तो ये कहें कि वो जीव नहीं, वो नॉन लिविंग, अगर उसे भी कहें तो पहले तो करोड़ों नहीं एक एकड़ में खेती के लिए अरबों को मारना होता है, जितने भी कीटनाशक दवाएं छिड़कते हैं, जब कीटनाशक दवाएं वो भी जो नजर आते उन्हें मारना होता है, नहीं तो खेतियां चट कर जाएंगी, खेतियां साफ कर देंगे। जब आप जमीन जोतते उस खाली जमीन जोतने में उसे तो छोड़िए दवा छिड़कते, जमीन जोतने के अंदर करोड़ों मर जाते, करोड़ों जीवों की हत्या होती जमीन को जोतने में, वो आपको नजर नहीं आ रहा इसलिए आप उसे जीव नहीं समझते, पहले उसकी हत्या करनी है। फिर उसके बाद वो जो नराई करते हैं उसमें जितने काट कर फेंक देते हैं, जितने काट कर फेंक देते हैं और फिर वो अपने पशुओं को खिला देते हैं, एक हत्या उसके बाद अभी वो हो रही। इसके बाद फिर आखिर में जिसे काट कर लाते हैं वो जीव है, और काट के लाके पकाते हैं वो जीव है। तो पहले तो उसे खाने के लिए जीव को तो डायरेक्ट खाते हैं, लेकिन पहले करोड़ों नहीं अरबों जीवों की हत्या करनी है, या एक जीव अगर उसे हत्या किया जाए तो एक जीव को काटने पर बहुत से लोग जो है उनका पेट भरता है। तो अभी मैं सिर्फ जीव हत्या के विषय पे बात कर रहा हूँ, इससे आगे की मैं नहीं कर रहा। तो ये मैंने किया कि इसको भी तरह से सोचें कि ये सब्जी खाना जीव हत्या है या नहीं, अगर इसे जीव हत्या का नाम दिया जाए, जीव हत्या का नाम हटा दें तो फिर हम दूसरे विषय पे बात करते हैं। लेकिन ये आरोप इसी हिसाब से आता है कि ये जीव हत्या है और इसलिए मना। तो सब्जी खाने में अगर हम जीव हत्या कहें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है उसको तो ये कहा जाएगा कि किलिंग इंडस्ट्री होती है, लार्ज स्केल किलिंग इंडस्ट्री हो गई है। तो उसके मुकाबले में लाखों गुना कम किलिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है एक बड़े जीव को मारने। ये सब क्या क्या प्रोसेस बीच में जाते हैं जिसमें सबके अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर जीव हत्या हो रही है। कीटनाशक दवाएं सिर्फ छोड़ दिए तब जीव हत्या है, और करोड़ों और अरबों की है। उन जीवों को तो आपको मारना ही है अपने जिंदा रहने के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए प्रोसेस यही है। आपको नेचर ने बनाया ऐसे ही, ये जिसने आपको बनाया कि आप जब सांस ले रहे हैं तब भी हो रही है हत्या। तो ये तो उसमें हो रही है कि जिस पर आपका जोर नहीं था सांस ले रहे, इस पर आपका जोर नहीं था, आप सांस रोक के बैठ नहीं सकते, लेकिन खाना आपको खाना है। तो जब खाना खाना है तो फिर उसके अंदर जीव हत्या को अगर रोकनी है तो मिट्टी पत्थर खाना होगा, अदरवाइज जीव हत्या होगा। मिट्टी पत्थर खाएंगे तब नहीं, मिट्टी में कीड़े पैदा होते हैं, कीड़े छान दीजिए निकाल दीजिए, पत्थर को पीस के खा लीजिए, वो जेनर के हिसाब से जीव है। मैं तो साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, जेनर के हिसाब से नॉन लिविंग थिंग भी तो कोई होगी ना, नॉन लिविंग थिंग भी तो कोई होगी ना। अब बात तो चॉइस की आ रही है आपके, कि जहाँ सांस लेना तो आपकी मजबूरी थी, लेकिन पत्थर पीस के खाना आपकी मजबूरी नहीं, खाइए ये तब होगा नॉन लिविंग थिंग, तब ये होगा कि जीव को नहीं खा रहे या जीव की हत्या नहीं कर रहे। अब मैं कुछ और साइंटिफिक फैक्ट रख रहा हूँ, साइंटिफिक फैक्ट सामने। आपके दांतों की जो बनावट है उस पर आपका कोई जोर नहीं, आपको नेचर ने दिए, जिसने पैदा किया उसने बनाए हैं आपके दांत, जैसे भी बनाए हैं। दुनिया में जितने भी प्योर खालिस मीट ईटर, जितने भी कार्निवोरस कहते हैं उन्हें, शुद्ध मांसाहारी जितने जीव हैं, जितने भी हैं, वो चाहे जंगल में हो चाहे घर में पालतू हो, उनके सबके ये कीले जिसे आप कहते हैं कैनाइंस, ये बहुत एलोंगेटेड और लंबे और प्रोमिनेंट होते हैं, इनके ये कीले लंबे होते हैं। ये लोग ये सब्जी नहीं खाते, औषधि के तौर पे खा ले कभी बीमार होते हैं, लेकिन उसके अलावा ये सब्जी खा ही नहीं सकते, चाहे तब भी नहीं खाते। तो ये जितने भी शुद्ध मांसाहारी होते हैं उनका ये कीला या कैनाइन बहुत एलोंगेटेड, बहुत लंबा, बहुत प्रोमिनेंट और बहुत नुमाया होता है। जितने भी हमारे हर्बोवोरस होते हैं, कुछ हमारे जानवर दुनिया में या जीव ऐसे हैं, बड़े जीव जो हमें नजर आते हैं, उनमें कुछ शुद्ध शाकाहारी हैं जो मांस खा ही नहीं सकते, उनके दांतों के अंदर ये कीला नहीं होता,
नोकीला दांत होते ही नहीं, उनकी दाढ़ें कुछ ज्यादा होती है, मोलर टीथ कहते हैं उन्हें, वो कुछ ज्यादा होते हैं इनके दूसरे को दूसरे के दांतों से। तो ये इनके दांतों का कंस्ट्रक्शन है, वो चाहे हाथी हो और वो चाहे गेंडा हो और वो चाहे छोटा सा जानवर हो जो शुद्ध शाकाहारी है, उनके ये दांत नहीं होता, नोकीला दांत या केनाइन उनके मुंह के अंदर नहीं होता, उन्होंने खुद नहीं बनाया। इंसानों के दांतों के अंदर अगर ये उनके जैसे हो जाए तो ये सिर्फ वैम्पायर कहते हैं चुड़ैल खून देने वाली जो कहानियों में होती है। इंसान के दांत में वो लंबा नहीं होता, लेकिन वो होता है, केनाइन भी होता है, मोलर टीथ भी होते हैं। हमारे दांत हमने नहीं बनाए, अपनी च्वाइस से नहीं लिए, तो इंसान को जो नेचर में बनाया, इंसान मैं भी सिर्फ नेचर की बात कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की भी नहीं कर रहा, तो इंसान को जो नेचर में बनाया तो उसने फिर मिश्रहारी डाइट के लिए बनाया, उसके दांतों की बनावट वही थी कि मिश्रहारी उसकी डाइट होगी, उसकी बैलेंस डाइट, उसकी जो जिसे हम संतुलित आहार कहें, वो उसके दांतों के हिसाब से है। वरना अगर वो सब्जी खाने के लिए बनाया जाता, उसको बनाता ईश्वर, बहुत से जीवों को बनाया है, हमें भी बना देता और हमारे मुंह के अंदर ये दांत नहीं रखता। इसके इलांगेटेड नहीं है, तो इसके दोनों के बीच के ना तो नुमाया है आगे निकले हुए, ना गायब है, छोटा है, लेफ्ट लाइए। इसलिए इंसान जो है वो मिश्रहारी है अपने दांतों के हिसाब से। आंतों की लंबाई, जितने भी शुद्ध शाकाहारी जीव है दुनिया के अंदर, जितने भी शुद्ध मांसाहारी जीव है, वो चाहे कुत्ता बिल्ली हो और वो चाहे शेर और लकड़बग्घे और वो हो जंगल के अंदर, उनकी आंत की लंबाई उनके पेट की लंबाई से 5-6 गुनी होती है। आंतें छोटी होती, 5-6 गुनी पेट से लगती, जितना पेट अगर उसका नापा जाए। जितने ये सबसे नीचे वाली लाइन को अगर आप देखें तो जितने शुद्ध शाकाहारी जीव हैं, वो चाहे घर में पले हुए बकरी हो, वो चाहे जंगल के गेंडा और हिरण हो, उनकी जितनी पेट की लंबाई होती है उससे करीब करीब 25-27 गुना उनकी लंबी आंत होती है। इंसान की आंत की लंबाई उसके हिसाब से 10-12 गुना होती है जितनी उसके पेट की लंबाई है। तो ये इन दोनों के बीच की होती है। इससे हमें ये मालूम हुआ, ये सारे वो हिस्से जो खाने से संबंधित है, दांतों को मैंने लिया और आंतों को लिया, जो जितना कहता खाने से संबंध है, भोजन से और पचाने से। तो इंसान के आंत की जो लंबाई है वो इन दोनों के बीच की, मिडिल। तो इससे ये मालूम हुआ कि जो आपको बनाया गया है वो हमने खुद चूज नहीं किया, वो हमें ऐसे ही बनाया गया है। तो इंसान को मिश्रहारी डाइट के लिए पैदा करने वाले ने या सृष्टा ने पैदा किया है। नेक्स्ट, ये जब बच्चे पैदा होते तो जितने शुद्ध शुद्ध मांसाहारी है, जैसे बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, ऐसे ही जंगल के अंदर शेर के हों और चाहे वो भेड़िया के हों, उनकी आंखें बंद होती है, करीब करीब 1 हफ्ते तक बंद रहती, वो आंखें नहीं खोलते, 1 हफ्ते बाद उनकी आंखें खुलनी शुरू होती है। और जितने शुद्ध शाकाहारी जीव जानवर है, एनिमल्स है जीवों के अंदर, वो चाहे जंगल का हिरण हो और वो चाहे घर के अंदर की गाय भैंस हो, वो बच्चा जब छोटा ही होता है, पैदा होता है, तो उसकी आंखें फुल खुली होती है, पूरी खुली होती है। इंसान के बच्चे का बिहेवियर इन दोनों के बीच का है। जब अगर अंधेरा हो जाए तो आंखें खोलता है, थोड़ी रोशनी ज्यादा हो जाए तो आंखें बंद कर लेता है, 1 हफ्ते तक रहता है, फिर खुले रहता है। तो इंसान के बच्चे का बिहेवियर जो है वो इन दोनों के बीच का है। इससे मालूम हुआ कि इंसान जो है वो मिश्रहारी है, इन दोनों के बीच का है मानव, इनके जो शुद्ध शाकाहारी है और जो शुद्ध मांसाहारी है उनके बीच का है, जिसे मिश्रहारी कहते हैं। नेक्स्ट चले आगे। अब मैं खाली रैशनल साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ, अब यहाँ पर अब मैं सनातन धर्म की मैं दूसरों को नहीं लाया, यहाँ जैन धर्म की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन सनातन धर्म के अलग अलग समुदायों से आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर, ब्रह्मकुमारी वाले नहीं है। मनुस्मृति जो है वो एक विधान माना जाता है सनातन धर्म के अंदर, एक महत्वपूर्ण विधान माना जाता है। मनुस्मृति के अंदर जो 5वां अध्याय है उसके 1/3 श्लोक जो है वो मांसाहार के ऊपर है, 1/3 5वें अध्याय के। ये जो मनु ये है 5वां अध्याय और उसका श्लोक नंबर 32। नाद्यात अवेदना मानसम विद्धिकियो अनापदि द्विज। इसका अनुवाद लिखा हुआ है कि विधान को जानने वाला द्विज बिना आपत्ति काल में पड़े विधि रहित मांस को नहीं खाए। बात खाली आपत्ति काल की नहीं, आपत्ति खा लो तो विधि रहित भी खा सकता है, लेकिन कोई विधि होनी चाहिए। विधि रहित मांस को नहीं खाए बिना आपत्ति काल में पड़े। अगला ले लीजिए, ये कहा कि अगर मंत्रों से संस्कृत हो विधि हो और विधि पूर्वक हो, ये 2 शर्तें। तो ब्राह्मण मंत्रों से असंस्कृत मांस को तो कभी नहीं खाए,
सिर्फ मंत्रों से संस्कृत मांस को ही सदा को विधि पूर्वक खाए, ये पांच शब्द थे, यानी उसका मनुस्मृति का अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 36। तो बात ये हो रही है कि बिना आपत्ति काल में पढ़े हुए तो विधि रहित खा, आपत्ति काल हो तब तो बात मजबूरी है, लेकिन बिना आपत्ति काल में पढ़े हुए कोई द्विज या कोई ब्राह्मण सिर्फ मंत्रों से संस्कृत मांस को खाए, ये दो शर्तें हैं। ये शर्तें मैं इसलिए मैं इसकी अहमियत रख रहा हूँ कि बात यही दो शर्तें इस्लाम में थी, मंत्रों से संस्कृत होना जरूरी है नहीं तो नहीं खा सकते, दूसरी है कोई विधि होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए, इन ये दो हो तो खा सकता है। ये अभी मनुस्मृति कह रही है जो विधान है, जो सनातन धर्म के का विधान माना जाता है। अगला लाइन नेक्स्ट, आपको तस्वीरें देख के तकलीफ हो तो मैं फिर क्षमा चाहता हूं। ये मंदिरों के सीन जो भारत के अंदर नेपाल के अंदर भरे पड़े, आगे बढ़ो, अब ये तो कच्चा खून पीने वाले डायरेक्ट काटने के बाद ये सब मंदिरों के सीन है, ये पुराने जमाने की बात नहीं, प्राचीन काल की बात नहीं, अभी की है, आधुनिक काल की, इस समय की बात है। ये अलग अलग ये जो कुल्हाड़े लेकर जिस तरीके से ये सारे पूरे होते हैं, एक एक करके मारा जाता है, और ये अलग अलग जो है ये मारने के या काटने के या खून पीने के या मांस खाने के या बलि के सीन जो इस वक्त के आधुनिक काल के, ये हमारी हर स्टेट में वो ऐसा, ये हमारे गांवों में नहीं, हमारे बड़े शहरों में जहाँ दुनिया के टूरिस्ट आते हैं वहां की बात की। जैसे मैं आपको बताऊं नैनीताल में जहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, वहां नैनी देवी मंदिर के ऊपर अक्टूबर के महीने में आता है वो नैनी देवी मंदिर का मेला, वहां पर बलियां चढ़ाई जाती है भैंसे की, नैनीताल, अब जितने शहरों की बात करूं तो वहां हर साल होता है। वहां के लोग बताते हैं, हमने बहुत लोगों से बात की, वहां के लोग बताते हैं उसके बॉडी पार्ट्स में से कि उसे भेजा कहते हैं, भेजा और पाए ये तो ब्राह्मण के घर जाते हैं, ये तो पुजारी के घर जाते हैं, वो खाता है, और बाकी फिर वो जो बोट चलाने वाले और जनता जो है वो बाकी मांस को बांटती है और वो अपने अपने घर ले जाती है। तो ये शहरों में भी होता है, ये सिर्फ कहीं दूर दराज के गाँवों के अंदर नहीं होता। ये कहा जाए कि प्रैक्टिस गलत है, कह सकते हैं आप, मैं मान भी लूंगा, लेकिन बात यह कि अभी मनुस्मृति को मैंने रखा था सामने, हम इसे अभी आगे चलते। ये फिर अलग अलग सीन है, आगे चले, बलि का बनी सनातन धर्म में, मैं और धर्मों की बात नहीं करना, सनातन धर्म में कभी मना नहीं थी, 50,000 के करीब 50 जो शीप हैं या भेड़े हैं और हजारों चिकन और कुछ गाय ये सारी सेक्रीफाइस की गई, ये 2010 की ये न्यूज है बेंगलोर के अंदर, 50,000 भेड़े, हजारों चिकन, उसके अंदर कुछ भैंसे, और जगह का नाम दिया हुआ है आपको, टेंपल के ऊपर हुआ है, मंदिर के ऊपर 2010 की बात। ये फिर और अलग अलग है आंकड़े दिए हुए कि किस किस जगह, उसे मैं तफसील इसकी यहाँ पर पढ़ लूंगा, तो आप चाहें तो मैं आपको दे दूंगा, और इससे 10 गुने और दे दूंगा, ये तो कुछ यहाँ पर दिखाए हैं, आप चाहेंगे तो उनके मन में आपको दे दूंगा। आगे चले एनिमल सेक्रीफाइस दे दें, चले आगे चले, इसलिए कि ये तो फिर अलग अलग जगह फोटो है आंध्र प्रदेश के, इसके उसके, और आगे चले, ये उसी की रिपोर्टें हैं अलग अलग अखबारों में छपी, आगे चले, ये सब अभी की है, सब रिसेंट है, बस यहाँ रोक लीजिए। सरकारी विधान, नील गाय, जंगली वाइल्ड बोर, ये हिमाचल में इजाजत है मारने की, नहीं मध्य प्रदेश में मारने की इजाजत है, यूपी में मारने की इजाजत है, बिहार में मारने की इजाजत है, उत्तराखंड में मारने की इजाजत है, राजस्थान में मारने की इजाजत है, पंजाब में मारने की इजाजत है, हरियाणा में, ऐसे नहीं हर एक जाके मारते, इसके लिए लाइसेंस मिलता है अगर ये फसलें खराब कर रही है, अगर ये फसलें खराब कर रही है तो इन्हें मारने के लिए इतनी सरकारों ने कानून बनाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बंदर मारने की इजाजत है, सांभर मारने की इजाजत है, ये रैबिट खरगोश मारने की इजाजत है, ब्लैक बियर काला भालू मारने की इजाजत है, तोते मारने की इजाजत है, ये हिमाचल के अंदर। हिमाचल में ये हुआ था अभी 2010 के अंदर कि पब्लिक का बड़ा एजिटेशन हुआ, जब लॉ नहीं बन रहा था तो उन्होंने कहा कानून अपने हाथ में ले लेंगे अगर तुमने कानून नहीं बनाया, तो फिर कानून पास किया गया, इसलिए कि वो फसलें खराब कर रहे थे। यहाँ ये होता है हमारे यहाँ, ये जाति अलग से मैं बता रहा हूँ, खबरों की बात नहीं बता रहा, फरुखाबाद के करीब के इलाके के लोगों ने हमें बताया कि नीलगांव के देवड़ आने लगे, तो फिर वो जाट जो झगड़ा करते थे और लड़ाइयाँ करते थे, उन्होंने आके मुसलमानों से कहा कि भाई जाके नीलगाय मार, ये इन नीलगायों को मारो, ये हमारा तो हमें बर्बाद किए दे रही है, तो तुम लोग जाके इन्हें मारो।
वहां के लोकल उन्होंने लॉ से अलग हटकर उनका लाइसेंस वाइसेंस में बड़े टाइम लगेंगे, मिलता है नहीं मिलता है क्या क्या होता है, तब इनको डिजाइन को तो हटाओ हमारे खेतों से और इन्हें मारो जाके। ये फिर पर्सनली जाकर कहते हैं जब अपना नुकसान होता है, बात आ रही है अपने लॉस की, अगर जब अपना नुकसान होता है तो कहते हैं इन्हें मार दो जाकर, खाने की भी जरूरत नहीं है हमारे खाने को जो उसको ये नुकसान कर रहे हैं, तो इनको खाने के लिए नहीं मारना है, इनको इसलिए मारना है कि हमारे खाने का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए इन्हें जान से मार दो। ये लॉ हमारे भारत के करीब करीब ज्यादातर स्टेट्स के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट, ये उसी लॉ से मुतालिक है, मंकी जो है उसे डिक्लेयर किया गया हिमाचल प्रदेश में 2016 में के नुकसान कर रहे थे बंदर, तो 2016 के अंदर ये कानून बना हिमाचल प्रदेश के अंदर के उस लिस्ट के अंदर बंदर को भी ले लिया जाए जिसे मारा जा सकता है, ऐसे पब्लिक आम नहीं मार सकते, उसके लिए इजाजत लेंगे कि इस इलाके में बंदर बढ़ गए हैं हम मार सकते हैं, उनको लाइसेंस दिया जाएगा कि तुम मार सकते हो। मेनका गांधी ने इसके ऊपर बहुत एहतजाज किया था, बहुत प्रोटेस्ट किया था कि ये यहाँ पर जो जो कि इसके अंदर मंत्री भी इसी सरकार के अंदर हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, और उन्होंने कहा कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर भी बंदर बंगाल के अंदर बंदर मारने की इजाजत दी गई, हिमाचल प्रदेश में बंदरों को मारने की इजाजत दी गई, हिरन मारने की इजाजत दी गई, गोवा में नेशनल बर्ड नुकसान कर रहा था, तो जो नेशनल बर्ड है उसको गोवा के अंदर ऑफिशियल इजाजत दी गई है कानून के अंदर हिरन मारने की, ये मोर को मारने की, पीकॉक को मारने की इजाजत दी गई गोवा के अंदर। पंजाब जो है वो हिमाचल के रास्ते पे जा रहा है, वहां जो फार्मर्स हैं वो एजिटेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें मारने की इनको इजाजत दी जाए, हमारी फसलें बर्बाद कर रही है ये जानवर, तो पंजाब के अंदर इसके ऊपर विचार चल रहा है कि कानून बनाएंगे। नेक्स्ट, ये फिर उसी की और तफसीलात है, मैं सारी फिर पढ़कर क्या करूँ। गुजरात के अंदर 3,474 सरपंच अपॉइंट किए गए हैं और उनको एम्पावर किया गया कि आम पब्लिक नहीं करे, लेकिन ये सरपंच जो है ये नीलगाय मार सकते हैं जब नुकसान कहीं पर होने लगे, तो ये गुजरात के अंदर लॉ है। फिर हिमाचल की और दूसरी जो खबरें हैं वो सारी अलग है। ये हमारे भारत के बात ये नहीं, अब कहीं पर आता कि सब ये तो कहा जाता है कहीं, अभी पब्लिक में हम जब बात करते हैं तब वो पहले की सरकारें थी ना, तो पहले की सरकारें उन लोगों की थी जो अधर्मी थे, उनका धर्म से संबंध नहीं था, अब तो धर्म की सरकार है, वो लोग हैं जो धर्म को मानते हैं। ये इन सरकार के दौरान में ये लॉ बढ़ते जा रहे हैं, जानवरों की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है उनकी, अभी 2016 तक वो लिस्ट बढ़ती चली जा रही है जिन जानवरों को ऐड किया जा रहा है और जोड़ा जा रहा है कि अभी नहीं मार सकते, अभी नहीं मार सकते हैं। तो जब कोई नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे अपने नुकसान से बचने के लिए आपको दूसरे जीव को मारने का क्या अधिकार है भाई? एक इंसान ने मुझे नुकसान पहुंचाया, फिर उस इंसान को भी मारने का मुझे अधिकार है? होना चाहिए। ये बात अपने अच्छी कही, बहुत अच्छी कही, कि अगर एक इंसान से खतरा है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है, खतरा जान तो नहीं है, खतरा हमारी फसलें खराब करने का है, तो हमें अधिकार होना चाहिए कि हम उस इंसान को भी मारें? होना चाहिए या नहीं, ये एक राय आई, लेकिन अभी सब सब हो सकता है सब सहमत नहीं हो उससे, लेकिन बात इसकी हो रही है कि जहां अपना नुकसान होता है कि उन्होंने इंसान को मारने की इजाजत क्यों नहीं दी, वो भी तो आखिर नुकसान पहुंचा रही है, क्यों नहीं दी? बहुत बड़ी बात कह दिया। और ये इजाजत अगर वो दूसरों को मारने की इजाजत देते हैं पशु समझ के देते हैं ना, ठीक बात, तो इंसान को मारने की क्यों नहीं देते? मुझे मैं आपसे सहमत हूँ। अभी तो मैं सिर्फ जब ये होगा ना तो एक दूसरों खा जाएगा, मर देगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपसे हजारों लोग रोज मारे जाएंगे और जिसका कोई सीमा नहीं होगा, और बिल्कुल एक तरीके से बड़ी भारी विप्लव पैदा हो जाएगा समाज में। आपसे सहमत, बात तो ये है कि अभी तो मैं मांसाहार को वो थोड़ी कहा जा सकता, अभी तो मैं आपके सामने स्थिति रख रहा हूँ कि जब इंसान को नुकसान पहुंचता है तो पब्लिक खड़ी हो जाती है और सरकार कानून बनाती है कि हाँ तुम कर सकते हो, वो सरकार भी बनाती है जो कहती है कि हम धर्म की बात करते हैं, ये इससे पहले की सरकार है तो अधर्मी सरकारें थी, वो सरकार भी यही बात करती है, और उन्होंने पहले से कम नहीं किया, इन्होंने इस सरकार में आने के बाद पहले से उस लिस्ट को बढ़ा दिया, और इसलिए कि लोगों का नुकसान हो रहा था, खेती का नुकसान हो रहा था, लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो जहां अपना नुकसान होता है, मैं छोटी थे इससे छोटे दर्जे की मिसाल हूँ, ये तो वहां के कानून की बात है, वहां मंडी में मंडी के अंदर गाय घूम रही होती, गाय खाली घूमती होती है, हमारे यहाँ बहुत सब जैसा गौशाला में नहीं पहुंचाई जाती, तो जगह जगह खाली घूमती होती है बहुत सी ज्यादा, वो गाय जब सब्जी के ठेले पे मुंह मारती है तो एक डंडा रखता है साथ में, उस वक्त धर्म नहीं आता, उस वक्त आस्था भी नहीं आती, वो एक डंडा मार देता है इसलिए कि उसका नुकसान करने जा रहे, तब आस्था नहीं आती तो वो गाय के वो डंडा मार देता है,
मैंने सिर्फ गाय का नाम सिर्फ इसलिए लिया कि वहां तो आस्था भी है, बाकी दूसरे और जानवर करते तो भी मार दिया तो नुकसान कर रहा था, मार दिया। आस्था में संत तुकाराम रहे, वो खाना खा रहे थे, कुत्ता आया उनकी एक रोटी की रोटी लेके आ गया, उसके पीछे कीचड़ कटोरा लेके गए, अरे भाई अरे सर्जी बहुत अच्छी से भी तो खा लीजिए, वो भी संस्कृति रही, बहुत अच्छी बात, अलग अलग बहुत अच्छी बात। नहीं किसी चीज को जुनून नहीं कहा जा सकता कि ये नियम और विधान हो गया, किसी भी बात के लिए इतना नहीं कहा जाता, अलग अलग विचार, बहुत अच्छी अपने अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, लेकिन मांसाहार को जो है वो देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं आपके सेंटिमेंट नहीं हट करना चाह रहा, लेकिन जब सवाल उठता है तो मैं बहुत ऐसे ये पिछली फेरे भी आपकी आवाज़ें जज्बात को मैं हिट नहीं करना चाहूंगा, नहीं वो जो आज आप कह रहे हैं वो आपने पहले भी कभी इस्लाम के विषय में जब बात हुई थी तो आपने कहा, जब सवाल होगा तो कहूंगा, और जब सवाल होते या जब सवाल मुंह से कोई नहीं कर रहा होगा दिलों में होंगे तब भी कहूंगा। बात यह है कि हम कुछ रैशनल बातें रख रहे हैं सामने, या तो वो सब बंद हो जाए तब किसी एक से कहा जाए, ईसाई से कहा जाए चाहे हिंदू से, अभी तो हिंदू समाज की भी बात करेंगे हम, अभी हिंदू किताबों की भी कुछ की आगे चले। ये वाल्मीकि रामायण है, अयोध्या कांड अध्याय नंबर 91 हवाला चाहे तो आप नोट कर लें, और श्लोक नंबर 70 इसका अनुवाद नीचे लिखा हुआ है, इसे चाहे तो नोट कर लें। वाल्मीकि रामायण वो रामायण है कि जब राम कथा जो कुछ भी हमारे पास आज चली है, बहुत सी रामायण कहलाती है इस वक्त, कि कोई अद्भुत रामायण है, कोई सीता रामायण है, कोई रामचरित मानस को भी रामायण कह दिया जाता है, जो अभी करीब के समय में लिखी आज प्रचलित या लोकप्रिय वो ज्यादा है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स राम कथा की वाल्मीकि रामायण है, उससे पहले राम कथा का कहीं उल्लेख दुनिया में नहीं था, वाल्मीकि जब भी लिखी गई हो या जब भी आई हो सामने, कम से कम लिखित रूप में रामचंद्र जी का नाम जो है वो कहीं दुनिया में नहीं था वाल्मीकि रामायण से पहले। तो वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल है, उस सोर्स से अपनी अपनी पसंद के हिसाब से दूसरों ने अपनी अपनी रामायण लिख दी, जो चीजें पसंद नहीं थी हटा दी उसमें से, लेकिन ये ओरिजिनल है, यानी ओरिजिनल से मतलब मूल जिससे और दूसरी रामायण ली जो वाल्मीकि जी की है, इस मेरे पास है मौजूद। वाल्मीकि रामायण का ये अब हवाला आप नोट कर लें और इसे देखें। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत और उनकी सेना का जब स्वागत हुआ, उस स्वागत में जो बोझ हुआ वो लिखा, कुछ बावड़ियां तपे हुए कुंडों में पकाए गए हिरणों मोरों और जंगली मुर्गों के नाना प्रकार के स्वच्छ मांस से भरी हुई थी। आगे चले, अब मैं धर्म की बात कर रहा हूं, पहले मैंने कुछ उसकी बात की थी दांत की या उसकी, वो खाली साइंटिफिक बात की थी रैशनल, क्या हमारा आपका दौर नहीं कि आपके दांत ऐसे होते, आपकी आंतें ऐसी होती हैं, इस पर आपका दौर नहीं, आपको नेचर ने ऐसे ही बनाया, आपको नहीं पसंद है बिल्कुल मत खाइए, लेकिन बात जब इसकी आती है कि हम कहें कि ये गलत करते हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, और फिर आप सवाल नोट कर लीजिए, आप कर लीजिएगा, और ये मैं फिर चौथी पांचवी बात कह दूं, आपकी भावना हट करना मकसद नहीं, किसी से कहना नहीं कि दोनों ही, लेकिन बात यह कि हम बचपन से एक बात तय कर लें कि नहीं ये तो गलत है, और फिर दूसरे से कहें ये तुम नहीं करोगे और जो करता है वो बुरा है, तो आप समझ सकते हैं, आपको ये भी अधिकार है कि बुरा ही समझे, लेकिन मैं कोई दलीलें रख रहा हूँ, कोई तर्क रख रहा हूँ इसके बारे में, इसको आप देख लीजिएगा इसमें से किस किस को हम मना करें। वाल्मीकि रामायण का ये दूसरा है जहां रामचंद्र जी के मांस खाने का जिक्र है, वो बात तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम के अंदर कहा जा सकता है सेना के लिए थी, वो बाकी सेना के लिए थी, ये उससे पहले का मंत्र श्लोक है जिसके आगे मांस खाने का जिक्र है। अयोध्या कांड में अध्याय नंबर 52 श्लोक नंबर 101 पहले ये खास तौर से वाल्मीकि जी ने लिखना जरूरी समझा कि उस जगह खाने की कोई कमी नहीं थी, जिस इलाके की बात है, ये पहला श्लोक है, उसके बाद का अगला, खाने की कोई कमी नहीं थी पहली चीज तो इसे समझ ले, उसके बाद ये 101 नंबर श्लोक है, अब 102 नंबर में मैं इसके एक एक शब्द का मैंने तो यहाँ अनुवाद दिया है, मैं पढ़ देता हूँ। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान, तौ मैंने उन दो वो दोनों, तत्र वहां, हत्वा मारकर, जानते ना हत्या करके, हत्वा चतुरो चार महामृगान, चार महामृगान की उन्होंने हत्या की उन दोनों ने, रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण ने, बीच की मैं छोड़ देता हूँ लाइन इसलिए कि बीच में उनके नाम है महामृगान। तीसरी लाइन, आदाय मेध्यम तोरेतम बुभुक्षितो, उसके बाद फिर उसके जो खाने के लायक जो जो अच्छे पार्ट्स थे वो लेने के बाद उसको उन्होंने लिया जब उनको भूख लगी, बुभुक्षितो वासाय काले, शाम के समय में ययातुर वनपतिम, एक पेड़ के नीचे चले गए उसको उस मांस को लेकर।
जो खाने के लायक थे। ये रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की बात है। उन्होंने क्यों मारा? अगर शेर को मार रहे होते तो कहते इसलिए मारा थे कहीं नुकसान नहीं पहुंचाए आने के बाद। भेड़ियों को मारते तो हम कहते कहीं नुकसान नहीं पहुंचाए आने के बाद। हिरणों को क्यों मारा उन्होंने? चार हिरण मारे बड़े बड़े, क्यों उन्होंने किया ऐसा? अब उसके बाद फिर वो खाना खाने चले गए जब उनको भूख लगी। ये फिर एक जगह नहीं है, बहुत है वाल्मीकि रामायण के अंदर। वो सारे मैंने छोड़ दिए, दो खाली मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कि जब मैं वैसी जबानी बता दूं कि जब सीता जी को का पता चल गया और जब हनुमान जी उनसे मिलने के लिए पहुंचे लंका के अंदर, अभी रामचंद्र जी तो यहीं पर है वन के अंदर है, उनकी फिर एकांत में मुलाकात हुई। बहुत लंबा पूरा एक अध्याय उसके ऊपर है दोनों की बातचीत क्या हुई। उन्होंने रामचंद्र जी का वृत्तांत करते हुए कहा सीता जी से कि रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के अंदर इतने व्याकुल हैं, उन्होंने सब अपनी पसंद की चीजें छोड़ रखी हैं, आजकल मांस खाना भी छोड़ा। एक और दूसरी जगह पर है कि जहां पर सब दोनों ने खाया, रामचंद्र जी ने नहीं, आप मत मानिएगा इसे, मैं तो सिर्फ हवाले दे रहा हूँ। वो हवाले हैं, आप इसे कैंसिल कर दीजिएगा। कई तरह से खफा मत होइए, नाराज ना हो, जो कोई दिखा नाराज बात नहीं है। वो आपको इतनी बात कहने भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कर रहा है, आपकी किताबें दिखाने से भावनाएं आपकी हट हो रही है, मुझे बता दीजिए। हट नहीं हो रही, मैं रोक देता हूँ, लेकिन ये कोई नहीं, तो फिर ये किसी को कहने का अधिकार फिर नहीं बचना चाहिए कि है या नहीं। ये सब हो ही रहा है, सब लोग खा ही रहे हैं, हट नहीं हो रही, क्यों नौकरी है ये बताइए। बात इसकी नहीं है, खाने हैं ही है, नहीं नहीं देखिए बात इसकी नहीं हो रही। हाँ। बात इसकी हो रही है, बात जो है आप नहीं 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 मर्यादा के विरुद्ध नहीं 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 मैंने मनुस्मृति सामने रखी, मैंने मनुस्मृति सब आप जो कह रहे हैं, ये अगर मैंने गलत हवाला दिया तो आप यहाँ का जो विषय है उससे ये इसको तो देख रहे थे, एक बात मनुस्मृति में कोई परिप्रेक्ष्य नहीं, मनुस्मृति में हर श्लोक अपनी जगह अलग है, मनुस्मृति के अंदर एक प्रसंग में है ही नहीं, मनुस्मृति के अंदर एक प्रसंग नहीं है, हर श्लोक अपनी जगह अलग है। हमारे यहाँ बलि हमारे यहाँ बलि बलि होती थी, एक बात बताया पिछले 5 हफ्ते से लेके 24 कह रहा है कि बहुत स्पष्ट दिखाया कि प्राणियों को हिंसा के बिना काम नहीं होता, प्राणियों की हिंसा सुख नहीं मिल सकता, इसलिए मांस का भक्षण कभी ना करें। आप और कह रहा है किसके प्रति आपने किस श्लोक और एक बात और वो भी श्लोक है जिसमें मना किया, वो है मैंने वो दिए जिसमें खाने की बात की गई। हाँ वही मतलब आप दोनों को रख लीजिए, ये मेरा चैलेंज है कि कोई मनुस्मृति दुनिया में आप ऐसे नहीं जा सकते जिसको ये नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज। आप दुनिया में कोई मनुस्मृति मुझे नहीं दिखा सकते जिसमें ये नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ यह श्लोक तो बाद में मिलाया गया है, अतः मनुस्मृति का भाव नहीं। तो आप मनुस्मृति ऐसी छापिए जिसमें से निकाल दीजिए, आप मनुस्मृति ऐसी क्यों नहीं छापते? ये झगड़ा अगर ये यहाँ पर होवे तो यहाँ ये संवाद समिति नहीं चले। अच्छा एक मिनट, हम बात को बात करें, आप ये सब चीजें नोट करते, बात तो ये है ना कि जब मैं प्रमाण रखूं तो आप भावना हट मत करें ना, और आप उसे कैंसिल कर दिया, आप हम नहीं मानते। एक बात और है, संस्कृत अगर आप किसी एक उसे गलत नहीं, एक बात ये है, मैं एक बात कहता हूँ कि मंदिरों में बलि होती थी हमारे यहाँ, ये हमने भी सुना है, हमने पढ़ा भी है ये बात तमाम,
इसका माने नहीं है कि आज हम उसे जूनियर मान लें, इसका मतलब ये नहीं हुआ, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये भी मतलब नहीं। जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन लेकिन अगर मैं ग्रंथ दिखाऊं तो आप खपत मत होइए। आप कहिए इन ग्रंथों को मैं नहीं मानूंगा, आप ये कहिए इन ग्रंथों को मैं नहीं मानूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा आपसे, मैं चुप हो जाऊंगा, ग्रंथ की नहीं वजह, मैं चुप हो जाऊंगा और मैं मान लूंगा कि आप इन ग्रंथों को नहीं मानते। लेकिन लेकिन जब मैं ग्रंथ की कोई चीज दिखाऊं तो उसमें नाराज तो ना हो। नहीं नहीं, आपका एक शब्द की है कि कहीं अगर लगा देंगे तो उसका अलग हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह पे आएगा उसका इसलिए मैंने उस बात को रखा ही नहीं। मैं अश्वमेध यज्ञ नहीं कह सकता था, मैंने नहीं कहा, जो चीज है मौजूद सिर्फ वो कह रहा हूँ। मांसाहार इनको अगर ये प्रक्षिप्त है मान लूंगा, आप ऐलान कर दीजिए प्रक्षिप्त है मान लूंगा, इनको निकाल दीजिए कुछ चीजें भाई साहब, ये मधुस्मृति का भाग नहीं है। कोई मधुस्मृति दुनिया में ऐसी भी जो छाती है जिसमें ये न होगी, एक ऐसी भी छाती हो सकता है उस समय की परिस्थितियां हो रही हो, आज की परिस्थितियां बस मान लिया। अभी बात अभी की खेती वाली जैविक खेती वाली आ रही है, मान लिया उस समय देसी खाद होता था, आज देसी खाद पैदा नहीं हो, आपकी ये तर्क मान लिया मैंने, तो वो चीजें आपका ये तर्क मान लिया, उस समय की परिस्थितियां ऐसी रही होंगी। ये यहाँ जो हम लोग इकट्ठे होते हैं या यहाँ का जो हमारा तरीका है उसमें ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा उस समय राक्षस हुआ करते थे, हम छुपा कर बैठ जाए छुपा और दिल में दूसरे को बुरा समझते रहे और चीज को छुपा कर बैठ जाए और दूसरे को बुरा समझते रहे, हम पूरा अच्छे से प्रश्न नहीं है, हजारों साल से चल रही है, पूरा बुरा प्रश्न कहाँ है। मैं तो सिर्फ बुरा की बात, किसने कहा कि ये सब बुरा कर रहे हैं आप मांसाहार के बुरा में, ये यहाँ किसने कहा, मैं तो यहाँ किसने कहा कि आप मांसाहार करते हैं तो गलत काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं रख रहा हूँ इसलिए कि इसके ऊपर एतराज होता है, मैंने रखा इस पर एतराज होता है, समाज में होता है, समाज में क्या क्या। मैंने शुरू किया तो इन्होंने सर हिलाया था, जब मैंने शुरू किया तो आपने सर हिलाया था कि हाँ इस पर होता है एतराज। बात ये कि मैं तो हाँ बस उनके विचार है, तो बात ये है मैंने तो ग्रंथ रखे, आप कह दीजिए मैं नहीं मानता इन ग्रंथों, बात खत्म हो गई। मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि ये भी नहीं कहूंगा नहीं जरूर मानिए, ये भी नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे दिखाने तो दीजिए, आप उसे क्यों छुपाते कि वो मौजूद हैं। फिर बात ये कि हम इसे धर्म के आधार पर मना करें या तर्क के आधार पर, मैं इन दोनों की बातें करूंगा। तर्क के आधार पर कुछ बातें मैंने की हैं, अब सनातन धर्म के आधार पर कुछ बातें मैं रख रहा हूँ आगे। ये सनातन धर्म की बात नहीं है, ये मान लूंगा आपकी बात, ये बात नहीं है सनातन धर्म की बात आप कर रहे हैं, ये आपकी बात में, ये आपकी बात में मान लूंगा कि मनुस्मृति सनातन धर्म का ग्रंथ नहीं है और वाल्मीकि रामायण का ग्रंथ नहीं है। जब आप दावा ये करेंगे तो मैं मान लूंगा, मैं उस पर झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी कि आप मनुस्मृति को सनातन धर्म को उसका ग्रंथ नहीं मानते, तो ये मैं मान लूंगा। जब आप ये कहेंगे कि नहीं इसे हम ग्रंथ नहीं मानेंगे, मैं मान लूंगा। मांसाहार तो कहीं किसी भी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है, मैंने तो किसी ग्रंथ को दिखाया, आप इस ग्रंथ को मना कर दीजिए कि इस ग्रंथ को हम ग्रंथ नहीं मानते, मैं मान लूंगा, मैं उसमें झगड़ा ही नहीं करूंगा। बात ये कि मैं उसमें कहूं कि आपको मानना पड़ेगा, मैं बोलूंगा कि इससे बहस का नहीं है इस्लाम में, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बहस हो रही है, मैं तो सिर्फ दिखा रहा था, बहस तो अब शुरू हो गई, बात विवाद का विषय नहीं है, होना ही चाहिए। नहीं, वाद विवाद तो अब हो गया, मैं तो ये कह रहा हूँ वाद विवाद का विषय नहीं होगा, वाद विवाद तो हमारी किसी बात पर नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नों को नोट कर लीजिए, आप चीजों को कैंसिल करने का नोट कर लीजिए, फिर कहिए कि इन ग्रंथों को हम नहीं मानते, ये कह दीजिएगा बात को, और मैं उस पर झगड़ा नहीं करूंगा, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, ग्रंथों को मानते हैं, पर जिस तरह से अर्थ आपने अर्थ वो नहीं हम मानते, इस पर बात हो जाएगी, वो नहीं हम मानते। अच्छा, इस पर बात, इस पर बात हो जाएगी, आप नोट कर लीजिए। इसी विषय पर अगर बात करनी है, इसी विषय पर बात करनी है तो महीना का चैप्टर है। शब्द एक एक शब्द के साथ में यही अर्थ में मेरे पास जो मनुस्मृति वो लिखा दूंगा, मैंने नहीं किया, ये तो दूसरी बात है। और अभी नेट पर लिखा है श्लोक से ही मनुस्मृति का है, आप उसी का अर्थ जो है वो किसी और जगह निकालिएगा, ये हमारी आपकी बात को बात है, किसी और जगह निकाल के 10 जगह हम रखेंगे, आप अपनी बात आगे चले पूरी करिए, सही है आगे चले।
अभी मैं महापुरुषों की बात कर रहा हूँ, आप कह दीजिएगा मैं विवेकानंद को नहीं मानता, मैं नहीं कहूंगा आपको मानना पड़ेगा। ये जो विवेकानंद की बायोग्राफी है स्वामी विवेकानंद की, ये उनकी जीवनी जो जहां से मैंने दी है, ये मेरे पास है, ये छापी हुई उनकी है जो लिखी हुई है स्वामी निखिलानंद की। और स्वामी निखिलानंद जो थे वो इसके रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में से थे, और ये जो उनका जो समुदाय है उसके ये संस्थापकों में से थे स्वामी निखिलानंद, लिखी भी उनकी है। ऐसा होता है कि ऑथेंटिक नहीं हो, इसे नोट कर लीजिए, इसे कहिएगा नहीं ऑथेंटिक नहीं, और छापी भी उन्हीं क्या की है, उनके आश्रम की छपी हुई, जो मेरे पास पहुंचे उनके आश्रम की छपी हुई, अद्वैत आश्रम की, उनका जो अद्वैत उसकी छापी हुई। अब इसमें और ज्यादा जरा सेंटीमेंट हट हो जाएंगे, मैं तर्जुमा नहीं करूँ, और इससे अभी तक जितने भी ज्यादा हट सही है, ये तो बात है ना, इनकी फिर मैं आपके सामने और चीजें रखूंगा यहाँ जो नहीं रखी है, और हम आप कर लेंगे अलग, इसलिए भी दूसरे लोग कमाओ और आपको दिखाऊंगा, फिर आप कहिएगा क्या अलग हो, जो नाराज होते नाराज हो, जो फिर मैं आपको ही दिखाऊंगा खाली, ये सिर्फ एक दिखाया ना, फिर आप कहिएगा कि ये इसका फल समझा जा रहा, फिर कहिए उसके बाद कहिएगा जब मैं और दिखा दूंगा इनको स्वामी जी दिखा। तो बात यह है कि आज के ये प्राचीन काल की बात नहीं, अब इस प्रसंग की बात हो रही है, अब आधुनिक काल की, कि जिनको इस समय का बहुत महान ऋषि माना जाता है, सन्यासी माना जाता है, वो सन्यासी जो है, मैंने इसका अनुवाद नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं कर रही, इसलिए नहीं है कि इससे कम के ऊपर अगर हमारे बात भावनाएं हट हो सकती है तो इससे ज्यादा भी तो बहुत हो जाएंगी। इन्होंने क्या क्या लिखा है और क्या क्या कहा है स्वामी विवेकानंद ने, तो ये आज के हैं, ये प्राचीन प्रसंग के नहीं, आगे चले, और मैं आपको फोटोस्टेट दे दूंगा अगर आप मांगेंगे तब, फिर इसे भी निकाल लीजिएगा, आप तो निकाल रहे जल्दी जल्दी, इसे भी निकाल लीजिए। प्रजापति ने जीव का प्राण से अन्नम इदम, आप तर्जुमा भी आपका फिल्म को देख लीजिएगा, सर्वम प्रजापति अकल्पय, के हर प्राणी के खाने की जितनी चीजें हैं वो सब कुछ खाने के योग्य ठहराया, स्थावर जंगलम च एव, सब स्थावर चीजें सब जंगम चीजें एव, यही सर्वम प्राणस्य से भोजन। अब तो ये अनुवाद गलत नहीं है, आगे भी सही है, अब ये मनुष्य के लिए थोड़ी है, अन्य जीवों के लिए है, एक जीव का है भक्षण, ये गाय सारे प्राणियों के लिए, ये सही है, ये गाय सारे प्राणियों के लिए सही नहीं, आप इसे मत मानिए, आप इसे मत मानिए, मैं आपको मानने पे कभी मजबूर नहीं करता, लेकिन मुझे रखने दीजिए, और इसका सही होगा गाय का हिस्सा। आगे चलिए, ये इसका भी देख लीजिएगा, अनुवाद देख लीजिएगा, कि नित्य खाने वाला भी जो है वो जीवों को दोषी नहीं होता, क्योंकि सृष्टा ने ही दोनों को बनाया, एक थोड़ी आप किस किस जगह प्रश्न को मना करें, ठीक है आगे चलो, सबसे मैं अब इतनी बात कहना चाह रहा हूं, फिर दोबारा आपसे बात करूंगा, हमेशा आपकी आदत करता हूँ, मैं मर्यादा आपकी इज्जत करता हूँ, मैं मर्यादा इज्जत रखूंगा, लेकिन बात ये कि जिन चीजों पर उंगली उठती है कुछ चीजें चाहे आप कुछ चीजें स्वीकार है सामने बैठ कर, लेकिन मतलब उसको जिन्होंने नहीं माना जा सकता, न कहे मेरे सामने बैठ कर, लेकिन जब जो चीजें मन के अंदर आपत्ति उठती है जिन चीजों के ऊपर, चाहे वो उनके के सिलसिले में मैंने कुछ तत्व उसके लिए जो साइंटिफिक है, जो आपकी बॉडी के शरीर से संबंधित है, कुछ जो है वो दिए, जो रैशनल दिए, तार दिए, और कुछ जो है वो कुछ ग्रंथों से दिए, कि सनातन धर्म में कभी मना नहीं था, प्राचीन काल ही नहीं आधुनिक काल के जो सन्यासी और ऋषि वो कह रहे हैं कि नहीं ये हिंदुओं को, ये कहा हिंदुओं को करना चाहिए, ये जो दलील है ना, स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी आपके हाथ में दूंगा, पढ़ लीजिएगा, अभी तो बहुत सी बातें कहने की नहीं है, मैं दे दूंगा पढ़ लीजिएगा, बहुत सी बातें यहाँ कहने की नहीं है, जिसे आप कह रहे हैं प्रसंग से काटा है उसे आप प्रसंग सब तरह के पढ़ लीजिएगा,
और ये छापी भी उनकी है क्योंकि रिसर्च स्कॉलर ने नहीं छापी है, उनके अद्वैत आश्रम की छापी हुई नहीं उनके प्रेस में उनकी ये अब ये तो पब्लिशर की मैं बात कर रहा हूँ ने मुझसे कहा है वो सही है रसूल ने मुझसे कहा है छपा हुआ है हम वहां मौजूद नहीं है हमारे चलने से हमारे विवेक से अगर चलेगा और साथ मिलेगा वो हम खाएंगे चलने किसी और ने बनाई हम मौजूद है आप ये सब तक मान लो और इस पर कोई झगड़ा ले रहा है गलत तो गलत है इस पर कोई झगड़ा नहीं है रसूल है जो सब जानते हैं जो सर्वज्ञ है आपके ये सब तर्क मान लूंगा और कोई झगड़ा नहीं करूंगा मैंने तो सिर्फ ये बताया और ये दिखाया कि ग्रंथों में मौजूद है आज के ऋषि या आज के सन्यासी आधुनिक काल के कह रहे हैं कि हिंदुओं को करना चाहिए ऋषि तो और प्रसंग के खिलाफ नहीं है लेकिन सर ऋषि आज के भी तो और भी ऋषि है जेल में भी बंद है उनकी क्या बात हम मान लेंगे क्या नहीं नहीं हम ढम दिन काट करते हैं अच्छा लगेगा नहीं हम स्वामी विवेकानंद को बिल्कुल कोई बात हो सकता है उन्होंने कुछ नहीं आपकी इस बात को मान लेता हूँ स्वामी विवेकानंद इस बार के काबिल नहीं है ये मान लेता हूँ अगर आप कहेंगे किसी का तो हवाला देंगे जो लोग दुनिया में रिलायबल माने जाते हैं अब आप जब कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानेंगे स्वामी विवेकानंद एक बात ये कहता हूँ कि जो खाते हैं वो खाते हैं जो नहीं खाते हमें उससे लेना देना जो नहीं खाएंगे हमारा उससे मतलब क्या नहीं बिल्कुल सही मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि ये कोई ना कहे धर्म के खिलाफ कुछ लोग धर्म की बात है ही नहीं ये बात धर्म की नहीं ठीक आप सिर्फ इतना कहना छोड़ दें सिर्फ दिल में बुरा समझना छोड़ दें कि आप नहीं खाते मत खाइए कुछ लोगों की उनके खिलाफ है कुछ लोगों की कुछ बातों में बस इतना अंतर होता है कुछ दिल में उतर जाते हैं कुछ दिल से उतर जाते हैं तो मैं तो सिर्फ क्या कही गई है किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है अभी आपने जो यहाँ का वातावरण अभी आपने जो निकाल कर देखे ना और देख लीजिए अभी देख लीजिए ना ये तो खुला वो है ना बात तो यहाँ पे कुछ है जो भी भाषा है जिन भाषाओं में धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं चाहे वो अरबी हो हिब्रू हो या संस्कृत हो या प्राकृत हो उनके जो अर्थ किए जाते हैं वो वर्तमान मानवों को द्वारा किए जाते हैं अपने हिसाब से सब ये सब मान लो अब मैं तो इनमें से किसी पर आपसे तक नहीं कर रहा मैंने तो सिर्फ कुछ चीजें सामने रखी प्रसंग देख लीजिएगा और यहाँ कोई निर्णय थोड़ी हो रहा है यहाँ कोई निर्णय नहीं हो रहा मैंने तो कुछ प्रसंग रखे पूरे और प्रसंग में देख लीजिएगा और भी प्रसंग के अंदर जितने मैंने आपकी सभा और 10-15 और दे दूंगा आयुर्वेद में है आपने रामायण की बात कही रामायण में मांसाहार की वहां बात कही अब जहाँ जितने राक्षस थे उनको तो राम ने मारा था और जन्म भी इसीलिए दिया में शक्ति थी उन्होंने मारा तो वो बात तो नहीं आई वो क्यों मारा वो तो जीन हत्या बहुत सब ब्रह्म हत्या थी वो तो पर क्यों मारा उसको ऐसा क्यों ये सारी बातें ऐसा क्यों देखा वो कहाँ आई ऐसा क्यों देखा यहाँ बात ऐसा कीजिएगा कि ये तो आज मैंने आपके सामने रखा और आपने शायद हवाला नोट कर लिया होगा अब इसे देखिएगा और उसके बाद फिर मुझे बता दीजिएगा और या कह दीजिएगा बात को बजाय इसके कि अभी क्योंकि आपके सामने भी प्रसंग नहीं है मैंने तो प्रसंग से काट कर रख दिया अब आप उसे ओरिजिनल को प्रसंग के साथ देखिएगा जब मैंने हवाला रख दिया आप जीव हत्या वाली बात नहीं बात ये जो बता रहे सही बता रहे लौकिक दृष्टि सही है लेकिन धार्मिक रूप से क्या शुद्ध धार्मिक भावना के साथ क्या मांसाहार सही है या परलोक जाने के हिसाब से या स्वर्ग जाने के हिसाब से मोक्ष प्राप्त करने के हिसाब से मांसाहार को छोड़ना पड़ेगा नहीं छोड़ना पड़ेगा क्या हज करते समय या हाजी बनते समय या वहां पे चक्कर लगाते समय आप मछली खाते पर चक्कर लगा सकते हैं या हम मंदिर में पूजा करवाते सामने कुछ कर सकते हैं मांसाहारी थे मांसाहारी थे भगवान उनको ठीक नहीं कहा कभी भी उनको भी प्रदान दिया भगवान ने अभी आपने इनके प्रसंग देखे नहीं है ना हो सकता है कि जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो उससे टकरा जाए या गलत हो जाए जो कुछ आप कह रहे हैं इस प्रसंग से इसलिए इन अब मैंने तो हवाले दे दिए आप जाके प्रसंग भी देखिएगा आपकी जिम्मेदारी है प्रसंग है और उस पर हम बहस नहीं करेंगे आगे लाइएगा मत इसे हम बात ही नहीं करेंगे लेकिन सनातन धर्म कितने हजारों साल पुराना है हर तरह का ऋषि पैदा हुआ दिखते चले हम लेकिन हमारे पास तो हजारों साल का प्रश्न नहीं है अनादि है हजारों साल का प्रश्न नहीं है वो अनादि अनंत है उसके बाद जो है जब सनातन धर्म की बात आती है तो बात और होती है ये बात सनातन धर्म की बात तो मैं बताऊंगा आपको
क्या सनातन धर्म है? प्राचीन वहां से लेकर वाल्मीकि से लेकर मैंने तो यहाँ तक दिया, स्वामी विवेकानंद तक, स्वामी विवेकानंद तक दिया। और नहीं वो किताब आपको दे दूंगा, मुझसे चंदन के लिए ले लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद की जिंदगी में मेरे पास तीन चीजें हैं, तीन, तो उसमें से आप सब देखिएगा और फिर उसके बाद मुझसे कहिएगा कि ये सब प्रसंग काट कर दे दीजिए आप। मैं बहस नहीं करूंगा कोई जन, मैं लेकिन पहले देख लीजिएगा। रामायण में एक क्वेश्चन आता है कि जो हिरण को मारने जाते हैं और कहते हैं हिरण की शिकार करके लाई और हम उसकी खाल निकाल के उस पर बैठेंगे, ये प्रश्न रामायण में दिया है। और रघुवंश महाकाव्य ग्रंथ है उसमें कभी जीव हत्या की बात नहीं आई है, वो वहां प्रश्न दूसरा है। अब वहां प्रश्न कैसे किया गया और वहां अलग अलग है, मैं यही कह रहा हूँ। अब ये हम बुराई को देख रहे थे, अच्छा छोड़ देते नहीं, हम सारी अच्छाइयों का बड़ा सम्मान करते हैं, हम उन मर्यादा पुरुषोत्तम की सारी अच्छाइयों को हम बड़ा सम्मान देते हैं, हम बहुत सम्मान देते हैं, हम उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। तो हाँ ये नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अब जहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो जो अर्थ है वो छोड़ देते हैं। मेरी दरखास्त बहुत देर से ये है कि अभी तो प्रसंग आपकी नजर पे नहीं है ना, एक अंदाजा है आपका भी प्रसंग से कटी हुई बात है। आप इस मैंने हवाला दे दिया, आप प्रसंग को देखिएगा, हम आप बात कर लेंगे बात को, और तो अगर समझे आपके नहीं बात भी नहीं करनी, नहीं करेंगे। बहस का मुद्दा ही नहीं है कि इसमें नहीं, बहस तो मैं अभी नहीं कर रहा, बहस हो गई, बहस तो हमारी बहस की बात नहीं है। हमारा जो यहाँ पर ये बैठने का और ये हमारी जो समाज समिति है, इसका मकसद था कि आज ये खाई बनती चली जा रही है समाज के अंदर, जो बहुत घातक है, मेरी दृष्टि में भी बहुत घातक है। मैं भी उसका कभी पोषक नहीं रहा, हमेशा उसके विरुद्ध रहा और विरुद्ध मैंने काम किए हैं। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि उस खाई को हम कम करें, इसलिए यहाँ बैठते हैं हम। मेरा मैं ये मकसद से यहाँ आता हूँ, मैं ये मकसद, और मैं बहुत असंतुष्ट हूँ इस बात से कि वो मकसद छोड़ के हम धर्म, ये तो सब पहले भी हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, मकसद वही है, लेकिन जो चीजें दिलों में, उसमें कोई प्रैक्टिकल बात अब तक साल भर में नहीं हुई। नहीं नहीं, अभी अभी बात मुझे कह लेने दीजिए। जो चीजें लोगों के दिलों में है, कहीं जबान पर आती है, कहीं दिलों में रहती हैं, और वो गलत समझते हैं और वो इस्लाम की गलत समझते हैं, तो जब मैं इस्लाम के बारे में कुछ कहूंगा तो फिर मैं रखूंगा उसे कि ये आप गलत समझते हैं अंदर से, ये ना तर्क है ना आपकी भावनाओं। मैं आपको किसी को नीचा दिखाना नहीं चाह रहा, मैं किसी को किसी के क्या हट करना, लेकिन जब आप दुनिया में दो चीजें हैं, जब आप, मैंने तो ये कहा ना, अभी तो प्रसंग सामने नहीं है, आप फिर क्यों कह रहे हैं कुछ? अच्छा, आप प्रसंग को देखिएगा जाकर, खुला ओपन ओपन आपके सामने ऑफर है, आप प्रसंग को देखिएगा जाकर और फिर समझाइएगा कि आपने प्रसंग से काट कर कह दिया था। तो मैंने और मकसद सिर्फ इतना है बताना कि कहीं आपके संस्कार है बचपन से, जिसके दिलों के अंदर, जिसके बचपन से जो संस्कार होते हैं, कोई चीज नहीं है, तो जिसके जो जहाँ पे जैसे उसको बचपन से जो बता दी गया, आप अगर कितने ही तर्क आ जाए उसके दिल से नहीं निकलती, तो बाकी की गुस्से तो मत निकाले, लेकिन इसे समझने के लिए अगर ये चीजें यहाँ भी मौजूद और मैंने रख दी, तो उसको कम से कम आप न करें, लेकिन जो कर रहे हैं उसको ज्ञान दृष्टा बोलो, जो कह रहे हैं उसके सुनो, फिर उसके साथ अपनी बात को, बात बात जहाँ जीव हत्या की गई, जहाँ इतने आरोप लगाए होते हैं, ये आरोप नहीं लगा, ये बात में नहीं दिखा है, ये आईना हो नहीं, उसमें जीव हत्या को जायज नहीं दे रहा है। आज हमारे सेना आपके जम्मू कश्मीर में आतंकवादी उनको मार रहे हैं, उनको जायज है मारना, अब उसको कहते हैं जीव हत्या क्यों करोगे, हमें मार डालेगा, मांसाहार जीव हत्या के बदले में सवाब मिल सकता है। बात तो इसी की हो रही है कि जैसे आप
खाने के लिए उस जीव को तो बात को काटा, पहले खर को मारे उसके बाद उस जीव को काटा, ये तो बात जीव हत्या की हो रही है। तो जीव हत्या तो कहना बंद कीजिए पहले से, अब बात इसकी होगी कि भाई क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ऐसे मत खाइए दिखाइए, ये हो सकती है इसके लिए तो मैं कह सकता हूँ कर सकते हैं और मैं उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब इसे जीव हत्या का विषय दिया जाएगा तो जीव हत्या का विषय इसे देना बंद किया जाए और इस वजह से इसे इसे पूरा समझना बंद किया जाए। अब बात आ जाती है पूरी यहाँ पर लाइब्रेरी में, नहीं यहाँ पर लाइब्रेरी में ज्ञान मंदिर में हुआ था प्रोग्राम, पुराण के व्याख्या में उन्होंने कई पुराण दीदी थी और यूसुफ सिलाई साहब उसके अध्यक्ष थे और भी लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ, तो उनको सबने जब और बहुत सारे प्रश्न हुए उन्होंने सबका जवाब दिया। लेकिन जब मांसाहार का प्रश्न आया, एक साहब ने कहा साहब क्या मांसाहार, तो उन्होंने कहा हम खाते हैं, हमारे यहाँ इजाजत है, आप बताइए आपको क्या कहना, बस बात वही है उसी बात बात हम आगे ऊपर जाने के लिए क्या ये बाधा है, इसलिए बस सवाल है मतलब मांसाहार जो है जैसी हत्या है या जो भी कहेंगे जो भी है ऊपर उठे चले जाएंगे, लेकिन उसको छोड़ते जाएंगे नहीं छोड़ते या बाधा भी जायज रहेगा आगे से इस वजह से सिर्फ हमारे यहाँ के झगड़े नहीं है, इस वजह से ही सिर्फ सब खाते हैं और बहुत सारी बातें हैं, तो मुसलमान है मेरे पास जो लाई है मोक्ष के जन्नत के लाने ठीक है। हमारे पास तो आखिरी ऑफर ये है कि वो चीजें जिसका मैंने यहाँ जिक्र ही नहीं किया, लेकिन मैं वो गया या जिक्र कर दिया और वो हो गए नहीं इस्लाम में या कुरान में ये गलत है, तो आप उसको भी लाइए और पूछिए मैं बताऊँ, ये ओपन है और हमारे हमें मालूम है कि इसको लोग गलत समझ रहे हैं, इसलिए मैंने बात बातें बात इसकी नहीं हो रही है। ये मोहब्बत की बात है जिसे आप कह रहे हैं कि हम किसी जगह मिले तो हम बचकर निकल जाए और दिल में और बचकर निकल जाए, दिल में एक दूसरे को बुरा समझ ले तो ये हमारी बात सामने ओपन सफाई आनी चाहिए। वो तो मुखौटे लगा के फिर बात होती है, वो मुखौटे लगा कर होती है कि नहीं एक दूसरे को बड़ा अच्छा कह रहे हैं और ये तो बहुत तो फिर जिसका नहीं दिल चाहे बिल्कुल नहीं खाए, हमारे यहाँ होते हैं जो नहीं खाते हम तो और हम उनका ख्याल करते हैं ऐसे तक नहीं खाते, तो ये तो हमारे घर के बच्चे भी अभी कहा कि कई हमारे यहाँ होते हैं तो उन्हें नहीं पसंद है, उनके लिए खाना हम अलग पकवान उनसे नहीं कहते तुम्हें खाना पड़ेगा, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होगा नहीं होगा, मांसाहार से शाकाहार श्रेष्ठ है नहीं, बिल्कुल संसारी के हमारे शरीर की पुष्टि के हिसाब से नहीं, आत्मा के लिहाज से अपनी अंतर आत्मा के हिसाब से मांसाहार से शाकाहार श्रेष्ठ है या नहीं, बिल्कुल मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है नहीं होता, तो ये दो सवाल है, इंसान का जमीन ही खुदा का रसूल है, हमारे दिल में क्या पता है, मारने से जैसा हत्या हो रही है तो ये हत्या वहां क्यों नहीं हो रही, ये मेरा ये सवाल है, वहां ये हत्या क्यों नहीं हो रही जब हम सब्जी को काटते, जीव की हत्या वहां क्यों नहीं हो रही जब लव मारने का तो मारने वाले इसलिए कि इंसान को पैदा करने वाले ने, या आप नेचर कह दिए बाकी लोग श्रेष्ठा कहें, इंसान को जो बनाया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन दिया ही है उसको उसके लिए इसके बीच की डाइट के लिए, नंबर एक बात, नंबर दो बात ये कि जब आप सब्जी खाते हैं तो उसको मारना क्यों नहीं कहते, जब लव मारना इस्तेमाल करते हैं तो आप निर्जीव को क्यों नहीं खाते, प्रकृति प्रकृति का जो नियम है प्रकृति में जो नियम आप तो हमारे भी बने हैं, हिंसा कहते हो निर्जीव को क्यों नहीं खाते, निर्जीव को नहीं सब्जी हम खाते हैं उसको हिंसा कहा गया, अचार हम खाते हैं हिंसा है, उद्योगी विरोधी आरंभी और संकल्पी चार तरह की हिंसाएं कहेंगी, ये इस जैन धर्म पर हम बात करेंगे जब आपका नंबर आएगा और मैं सवाल भी उठाऊंगा और मैं रखूंगा नहीं कहते इसलिए मैं और जैन आहार पे तो हमारे बहुत प्रश्न है बहुत ही जैन आहार के ऊपर, और आप बहुत रैशनल आदमी हैं और आप रखेंगे बताएंगे हमारे ये भी जरूरी नहीं है कि उसी दफा जवाब दे, तो बात ये कि
लेकिन बात तो ये हो रही है कि निर्जीव को क्यों नहीं खाते और जीव ही को क्यों काटते हो, फिर उसे मारना क्यों नहीं कहते? बहुत जनता के हिसाब से दे रहे थे, लॉजिक से नहीं दे रहे थे। तो आप बताते हैं, खुद आप बताते हैं कि वो जो मुनि है वो बचते हैं, तो क्यों नहीं बच सकते आप? मुनि बनिए ना। श्रावक श्रावक धर्म मुनि धर्म में फर्क है, दो कैटेगरी से श्रावक और मुनि में गृहस्थ में और मुनि में फर्क है। उनके जो नियम बताएगा महाव्रत है और जो हमारे पौरव्रत है आपने मुक्ति का प्रश्न रखा था ना, कैसे मुक्ति? तो मुक्ति आपके आपके धन के हिसाब से, कुछ देर धन के हिसाब से इन सारे ग्रस्तियों को तो मुक्ति मिलने नहीं जा रही। नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये जैन धर्म के हिसाब से मुक्ति मिलने नहीं जा रही किसी ग्रस्ती को, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सही बात, किसी ग्रस्त आश्रम में किसी को मुक्ति मिलने नहीं जा रही, किसी को नहीं। ये तो जैन धर्म को ही कहता है और सनातन धर्म ये नहीं कहता कि किसी ग्रस्त को मुक्ति नहीं मिलेगी। हम सब पापी, नहीं कहता कि किसी ग्रस्त को मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी जो रिफॉर्म मूवमेंट है वहां तो ये है कि असली सन्यास ही है कि यहाँ रहकर काम करो बजाय जंगलों में जाने के। बात ये है कि मैं आपका आदर भी करता हूँ, मैं उन सारे ग्रंथों को पढ़ता भी हूँ, मैंने आपके साथ में रहा हूँ, बिल्कुल सही, मैं आपके बड़े स्कॉलर के साथ में रहा हूँ, तो मुझे तो मालूम है ना सब बात। गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म है, आप जिस तरफ खड़े हो उसी तरफ से आपको दलील देनी पड़ेगी। ऊपर वाले से जुड़ने की पांच शर्तें बताई बताइए, उपासना साधना आराधना समय दान और रजता निभाइए, निर्वाह तो कीजिए उनका। धर्म का संबंध तो इन बातों से है, निर्वाह तो कीजिए, निर्वाह करते कहां नहीं करते, दे ही नहीं सकता। नहीं ग्रस्त आश्रम तो ग्रस्त जो जो अभी के यहाँ तो जो अब सनातन धर्म के जितने रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि वो असल में सन्यास भी वो नहीं कि जंगल चले जाते थे, इस दुनिया के अंदर रहने के बाद यहाँ जीवन व्यतीत करना इस ग्रस्त आश्रम में रहकर असली सन्यास होता है। तो बात ये कि ये कह रहे हैं कि नहीं मुक्ति नहीं मिलेगी सन्यास, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, असल कह रहे नहीं मिलेगी अभी देख लीजिए। खैर वो अपनी पूजा में उसमें कमेंट नहीं करूँगा, सन्यासी तो ग्रस्त जीवन बनेगा, सन्यासी जीवन जीना है मगर ठीक है तो देखे, ठीक है तो देखे। आश्रम के अलग अलग धर्म होते हैं, मैं भी ये बात कहूंगा साधन के हिसाब से भी आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए अलग अलग वनप्रस्थ या सन्यास होना, वो सन्यास की बात है, ग्रस्त में रहें ये मतलब सन्यास नहीं है। सन्यास का मतलब होता है निसंकल्प होना, निर्विकल्प होना, जब तक निर्विकल्प बनेंगे जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आपने जो बात कही वो बिल्कुल अपनी जगह समाधान की बात गलत नहीं है, वो बात नहीं होगी मोक्ष हमारे चार पुरुषार्थ है, धर्म कर सकता है तो मोक्ष है, वो सर्वज्ञ का विषय है, वो सिर्फ अल्लाह मियां जानते हैं कि दिन में चल क्या रहा है। मैं कह रहा हूं कि जाएगा मोक्ष के लिए अलग अलग क्यों कर दिया गया, गृह आश्रम का धर्म ही है तो गृह आश्रम का धर्म भी वही निर्विकल्प होना होना चाहिए। इस मामले में तो ये ब्रह्मा कुमारी वाले दादा साफ सुथरे और अच्छे के गृह आश्रम में रहकर निर्विकल्प बनिए, आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं इनको इजाजत दी गई है गृह आश्रम में धर्म चला रहे हैं, गृह आश्रम में निर्विकल्प क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे कारण नहीं हो सकता ना। अच्छा नहीं हो सकता तो फिर बात ये वो मुनि बनेगा तो गृहस्थ आश्रम की जिंदगी नहीं जी सकता। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं मुनि यही रहकर बनिए, दोनों में अंतर हो गया नहीं हो गया? मुनि मुद्रा धारण करना और गृहस्थ रहना अलग अलग भाव भाव दशा और जब दशा अलग अलग, लेकिन निर्विकल्प तो होना पड़ेगा। बाकी शर्त ये हमारे यहाँ गीता के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्धिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम तमहो पंडितम होता। जब तक जो है संकल्प रहित जीवन होगा, निर्विचार जीवन, हमारे यहाँ कई बात कही गई, मौन को परमात्मा माना गया है, मौन की दृष्टि से थोड़ा मौन होना चाहिए, मौन सबसे बड़ी साधना मानी गई है हमारी, हमारे संधान के हिसाब से मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी साधना मौन है। और हर व्यक्ति को मैं एक बात कहता हूँ, हर व्यक्ति को शांत भाव रखने के लिए और अपना जीवन उन्नत करने के लिए थोड़ी देर 5 मिनट के लिए जाए, थोड़ा निर्विचार होकर रहना चाहिए, तो उससे उसके जीवन को बड़ी शांति और वो अपने लिए तथा समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। किसकी
हाँ तो हमारी प्रस्तुति समाप्त हो गई, इस पर फिर अगर कोई प्रश्न हो तो उसके बाद मेरा मतलब तो मैं तो कहा ना उसके प्रश्नों के लिए तो हमेशा आखिर तक आते चलेंगे मांसाहार, प्रश्नों के लिए तो आखिर मांसाहार है, प्रश्नों के लिए मैं आखिर तक आते रहूं, प्रस्तुति खत्म हो गई, प्रस्तुति की बात जीवत्या मना है, इसे हत्या मानते मानते नहीं, कुछ पशु बताया नहीं, बात सुन लीजिए, इसका जवाब मैं दे दूं ना, जवाब तो कह क्या रहे हैं वो बात जो मनुस्मृति ने कही थी, नंबर एक मंत्रों से संस्कृत हो, नंबर दो विधि रहित, विधि रहित नहीं हो, जब ये दो शर्तें होती हैं तो फिर वो हत्या नहीं है, जब ये दो शर्तें विधि रहित नहीं हो, जो मनुस्मृति में आई थी ये दो शर्तें, पूर्व जो सब लोग मांसाहारी थे इसमें कोई शक नहीं, ये कर लीजिएगा सवाल, ये सवाल कर लीजिएगा और उसका जवाब भी दूंगा मैं ये, लेकिन आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो शब्द हत्या फिर मैं एक मैं जीव शब्द के ऊपर बात कर रहा था, एक हत्या पे बात कर रहा था, निर्जीव को इंसान नहीं खाता, इसको हम इस्लाम इसे हत्या नहीं कहता, हत्या जिस जीव को कहते इसके बाद ये हत्या की डेफिनेशन के अंदर शब्द में वो हत्या नहीं बचती, जान तो जाती है, जान तो दुनिया में रखी जानी है, ये तो जान तो हर एक की जानी है, तो दुनिया में हर एक की ऐसे आप नहीं काटोगे, एक दिन वैसे ही मरेगा, तो बात यह है कि ये हत्या किस स्टेज पर हत्या कहा जाता है, कब हत्या में वो शुमार नहीं होता, मैंने तो ये जवाब दिया आपको, वो जो मनुस्मृति ने कहा था वो वही इस्लाम कहता है कि ये दो शर्तें जब आती है तो हत्या नहीं रहती, तो हमारी बात जीव पर थी और हत्या पर, इन दो बातों, अब आपके जो प्रश्न होंगे उसका स्वागत जब तक होंगे, आपके तेजी के साथ में अभी बहुत तेजी के साथ फुल हाथ कट जाए, कुछ सेकंड तकलीफ नहीं होती, उसके बाद पेन स्टार्ट, मैं फिर तफ्तील से रख दूंगा, पूरा हाथ काट दिया जाए थोड़ी देर बाद पेन स्टार्ट होता है, उस वक्त पता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर अनजाने में काट दिया जाए तो उन्हें पता भी चले, जब खून निकलना होगा पेन शुरू होता है, अब अगली बार रख लेंगे ना जवाब, ये सवाल हम ये सवाल सिर्फ ही रहते, ये अय्यूब चतुर्मुखी है उन्होंने नाम लिखा था, और सब ऐसे तो इसमें कहां से भी आता है क्या, अच्छा वो अय्यूब साहब जो आते थे, इन्होंने लिखा है कि जितने मांसाहारी पशु हैं वो कच्चा मांस खाते हैं मगर इंसान मांस को पका कर खाता है, ऐसा क्यों, तो ये मांसाहार को यही बात है, तो सही बात है, अगली बार अगली बार अगली बार में आपका पहले में 25 इसको लगी है यही बात है, अच्छा जो इसमें सलाह और जब तक सवाल आएंगे, और मैंने तो ये भी ऑफर ऑफर और भी कि ये तो वो थी चीजें जिनके बारे में मुझे पता है कि ये सवाल उठते हैं, या हर एक को इतराज है बात बातों पे, चाहे वो दोस्ती काफिर हो, काफिर कहना, दोस्ती करना, जिहाद, आतंकवाद, मांसाहार, तो अभी तो मैंने सिर्फ उतनी चीजें ली, लेकिन आप अगर समझते हो कि नहीं इस्लाम में कुछ बातें और गलत है, इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, तीन तलाकें गलत कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, औरतों को कोई भी बात एनीथिंग जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, अगर आप समझते हो कि ये बातें और गलत है, तो इस्लाम को गलत समझना है, मुसलमान गलत समझना है, क्यों गलत समझे हो, अगर और कोई प्रश्न उठते हो तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसे मैंने नहीं इस्लाम गलत समझना पता है बेवकूफ जिसे मैंने नहीं छेड़ा था, मैं ही तो ये बात कह रहा हूँ, आप वो प्रश्न की बात को रख सकते हैं, ये तो आपने सब बता दिया, तीन तलाक की बात भी आ गई थी, नहीं मैंने तो एक बात कही कि जो नहीं आई हो किसी को मालूम हो, आप वो बात छुपा गए, शास्त्र सही है, शास्त्री गलत है, शास्त्री है वो गलत, सबके भी बच्चे सबकी मजबूरियां है, उसके हिसाब से धर्म कोई गलत नहीं होता है, इंसान गलत होता है।